जय श्री राम। आज का विषय है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में सितंबर सन 1825 को एक गरीब पारसी परिवार में हुआ। इनकी माताजी का नाम मनकेबाई और पिताजी का नाम नौरोजी पालनजी डोरडी था। जब दादा भाई 4 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया। उनकी माँ ने निर्धनता में भी बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई। उच्च शिक्षा प्राप्त कर दादा भाई लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने लगे। लंदन में उनके घर पढ़ने के लिए कुछ भारतीय छात्र आते जाते रहते थे। गांधी जी भी उनमें से एक थे। दादा भाई सन 1845 में एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक बन गए। सन 1850 में मात्र 25 वर्ष की उम्र में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में लीडिंग प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। सन 1855 तक मुंबई में गठित और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। अंग्रेजों की कारस्थानियों को बयान करने के लिए सन 1851 में गुजराती भाषा में रस्तक अवतार नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया, जिसे सच बातों को कहने वाला पत्र कहा जाता था। कामा एंड कंपनी में साझेदार बनने के लिए वह लंदन गए। सन 1859 में नौरोजी एंड कंपनी के नाम से कपास का व्यापार शुरू किया। सन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करके ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत की लूट के संबंध में ब्रिटिश संसद में थ्योरी पेश की। इस ड्रेन थ्योरी में भारत से लूटे हुए धन का उल्लेख था। सन 1869 में भारत वापस आने पर 30,000 रुपये की थैली व सम्मान पत्र से स्वागत हुआ। 1885 में मुंबई विधान परिषद के सदस्य बने। सन 1886 में होलबार्न क्षेत्र में पार्लियामेंट चुनाव में असफल होने पर फिंसबरी क्षेत्र से विजयी हो निर्वाचित हो गए। उन्होंने संसद में बाइबल से शपथ लेने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के सम्मोहन के बीच उसकी स्याह सच्चाई के सामने रखने के साथ ही कांग्रेस के लिए उपयुक्त जमीन तैयार की। सन 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। ब्रिटिश संसद में दादाभाई ने कहा था, मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूँ। सन 1885 में एमओ ह्यूम और दिनशा एडुलजी वाचा के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। सन 1886 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद सन 1893 और 1906 में भी वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सन 1874 में वह बड़ौदा रियासत के प्रधानमंत्री बने। वह मुंबई के लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका बाद में कांग्रेस में विलय हो कर दिया। मुंबई में पहचान कायम करने के बाद इंग्लैंड गए। वहाँ भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीति के पुनरुद्धार के लिए आवाज़ बुलंद की। भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रख्यात राजनेता, शिक्षाविद और विचारक भी थे। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, जो अपने समय की महती कृति थी। उन्होंने गरीबी और ब्रिटिशों के राज के बिना भारत नामक किताब भी लिखी। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा, भारत भारतवासियों का है। उनकी बातों से तिलक, गोखले और गांधी जी जैसे नेता प्रभावित हुए। नौरोजी और गोखले गांधी जी के गुरु थे।
दादा भाई की देशभक्ति का परिचय सन 1906 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में मिला। उन्होंने स्वराज की मांग करते हुए कहा, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। सन 1885 से 1907 के बीच कांग्रेस में नरमपंथी नेताओं का बोलबाला था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता आदि शांतिपूर्ण ढंग से मांगे मनवाने के लिए प्रयासरत थे। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाने इन सभी का एकमात्र लक्ष्य था। दादा भाई नरमपंथी ही नहीं, गरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के भी प्रेरणा स्रोत थे। तिलक ने दादाभाई के साथ रहकर वकालत का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। एक बार दादाभाई को किसी मुकदमे के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा तो उनके सहायक के रूप में तिलक जी भी गए। मितव्ययता के कारण वे लंदन में न ठहर कर दूर उपनगर में ठहरे। वे जल्दी उठकर अपना काम स्वयं करते। तिलक ने जब यह सब देखा तो वह अवाक रह गए। भारतीय राजनीति के जनक, राष्ट्रीय भावनाओं के उत्प्रेरक दादाभाई नौरोजी 92 वर्ष की उम्र में 30 जून 1917 को मुंबई में इस दुनिया से चले गए। भारत के स्वराज की नींव का पत्थर गिर गया। भारत माता की जय।